वेलकम टू नई सुबह कहानी घर नई सुबह टेल्स नरेटेड बाय निस्मा आलम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कहानी घर में खुशामदीद। मैं हूँ निस्मा आलम और आज हम सुनेंगे कहानी अकलमंद मछली। एक दफा की बात है, एक नहर में तीन दोस्त मछलियां रहा करती थी। एक का नाम था सोनू जो बहुत ही दूरंदेश थी। एक का नाम था मोनू जो बहुत ही हाजिर दिमाग थी। और तीसरी का नाम था भोलू जो अपने नाम की तरह बहुत ही भोली भाली थी। गर्मी की शिद्दत से नहर का पानी कम होना शुरू हो गया। सोनू ने मोनू और भोलू से कहा, क्यों ना हम दरिया का रुख कर लें, वरना कोई भी शिकारी अपना जाल बिछाकर अपने जाल में हमें फंसा लेगा। मगर मोनू और भोलू ने सोनू की बात को नजरअंदाज कर दिया और वहां से चली गई। सोनू चूंकि बहुत दूरंदेश थी, इसीलिए उसने आगे का सोचते हुए दरिया का रुख कर लिया। और अपनी जगह को छोड़ दिया। और कुछ दिनों बाद ऐसा ही हुआ। सोनू की दूरंदेशी वाकई में साबित हो गई। एक शिकारी ने जाल बिछाया, मोनू और भोलू को जाल में फंसा लिया। मोनू बड़ी ही हाजिर दिमाग थी, इसीलिए उसने मरने का ड्रामा किया और शिकारी ने उसे अपने जाल से बाहर निकाल लिया। और भोलू अपने नाम की तरह क्योंकि भोली थी, इसीलिए उसने जितनी निकलने की कोशिश की उतना ही वो जाल में फंसती चली गई और इसीलिए वो शिकारी की खुराक भी बन गई। मोनू को शिकारी ने क्योंकि जोर से फेंका था, इसीलिए वो जख्मी हुई। और अकलमंद मछली सोनू ने साबित किया कि हर काम हमेशा वक्त पे करना चाहिए। आज का काम कल पे कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना मुसीबतें परवान चढ़ने लगती हैं। तो देखा बच्चों, अकलमंद मछली सोनू ने हमें कैसा सबक सिखाया कि हमेशा काम वक्त पे करना चाहिए। नई सुबह कहानी घर में इतना ही। मिलते हैं नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।